ब्यूटीफुल पीपल व्हाट्सअप जैसा आप अभी थंबनेल पे देख चुके हो शुड आई रजिस्टर माई एजेंसी और नॉट क्या आप भी अपना फ्रीलांसिंग बिजनेस बिना रजिस्टर किए आप चला रहे हो इस वीडियो के अंत तक मैं आपको एक वार्निंग या तो एक अलर्ट देने वाला हूं कि बिफोर यू फॉल इन टू वीडियो को आप अपने बिजनेस में जरूर इंप्लीमेंट कीजिए मैंने अपने करियर में में यू नो से मैं मैं फ्रीलांसिंग के इंडस्ट्री कर चुका हूं और मैंने बहुत सारे ups and downs देखे आज का जो वीडियो होने वाला है ये लीगल एंगल से मैं आपको समझाने वाला हूँ अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर नहीं करते हैं तो क्या क्या ट्रबल हो सकते हैं और अगर रजिस्टर कराओगे तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं एंड वट इज गोइंग टू बी राइट टाइम टू रजिस्टर योर बिजनेस राइट टाइम टू रजिस्टर योर बिजनेस राइट देखो सबसे पहली बात है अगर आप फ्रीलांसिंग करो या बिजनेस करो नो no मैटर वॉट फ्रीलांसिंग भी एक बिजनेस ही है आज के डेट पे लोग फ्रीलांसिंग को एक अलग पार्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड के जैसा देख रहे हैं यानी कि कोई बंदा बैठा हुआ है पाजामा पहन के टी शर्ट पहन के घर में बिंदास है फ्रीडम है तो लोग कहते हैं वो एक फ्रीलांसर है राइट द पॉइंट इज वो फ्रीलांसिंग हो या सोलो प्रेनरशिप हो एवरीथिंग इज ए बिजनेस सारा बिजनेस फ्रीलांसिंग से ही बिगिन होता है बट वट इज द राइट टाइम टू रजिस्टर रजिस्टर करने का मतलब है आप गवर्नमेंट के पोर्टल पे अपने कंपनी को रजिस्टर कराते हो मेबी पार्टनरशिप मॉडल पे मी प्राइवेट लिमिटेड मॉडल पे एल एल पी मॉडल पे आपके बैंक अकाउंट होगा जब मैं अपना बिजनेस बिगिन कर रहा हूँ क्या यह सारी चीजें मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है अगर मैं आपको कहूँ की वॉट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट एन एजेंसी आई विल क्विकली क्विक शॉर्ट आपको एक सजेशन दूंगा अगर आपने अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस आज बिगिन किया है और सोलो प्रेनर हो

वहां भी हमने एंट्री करने से पहले सबसे पहले ट्रेड लाइसेंसिंग लिया सबसे पहले अपने से से सेटअप किया कि आगे कोई भी लाइसेंसिंग को ट्रबल न आए राइट सो द नंबर वन थिंग होता है लेजिटिमेसी कि आपका जो कंपनी है ना क्लाइंट के नजरों में कस्टमर्स के नजरों में ये क्रेडिबल एंटिटी की तरह ये प्रूव हो जाता है आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल दिखते हो प्रोफेशनली आप ऑपरेट कर सकते हो विद वेंडर्स पार्टनर

अपने बिजनेस इनकम से हर महीना अपने पर्सनल सेविंग अकाउंट पे एक NFT करा सकते हो एज योर सैलरी तो time, से आप खर्चा पानी कर सकते हो और बिजनेस के लिए बिजनेस अकाउंट से आप खर्चा कर सकते हो आपके बिजनेस में जो चीजों में आपको इन्वेस्ट करना आपको इन्वेस्ट करना, करना है आपको पेट्रोल चाहिए आपको गाड़ी लेनी है वट एवर राइट बिजनेस एक्सपेंसिस डिफरेंट पर्सनल

वेंचर कैपिटलिस्ट के फंडिंग फॉर्मूला में आप ठीक बैठ सकते हो वो भी आपको फंड कर सकते हैं राइट? तो को अपने से कर सकती हो। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस में अगर आपने सौ रूपए कमाए तो इमीडिएट बेसिस पे वो थर्टी रूपीज तीस हो जाता है तो उस टैक्स को कम से कम करने के लिए आप अपने घर का खर्चा आप अपने घर का रेंट आप अपना मोबाइल का बिल आप अपने गाड़ी में आपके पेट्रोल का खर्चा आपके इंटरनेट का खर्चा डेली बेसिस पे आप अपने पर्सनल लाइफ में भी जो खर्चे कर रहे हो लॉन्ड्री से लेकर के लेट्स से कुक मेड ये सारा का सारा खर्चा बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हो और टैक्स बचा सकते हो राइट टैक्स लाइबिलिटी से आप बहुत ही अच्छी तरह से निकल सकते हो राइट right? लेकिन अगर आप नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे ऑपरेट कर रहे हो तो आपका अकाउंट पे जितना भी पैसा आता है राइट right? वो इमीडिएट बेसिस पे टैक्सेबल हो गया आप अपने खर्चों को डिडक्ट नहीं कर सकते फ्रॉम द टैक्सेबल इनकम इट इज द रीजन यू नो इंडिया इज प्रमोटिंग ऑनटरप्रीनोरशिप टूडे इट इज द रीजन बिजनेस ओनर्स आर ग्रोइंग डे बाई डे गरीब को होता कौन है वर्किंग क्लास लोग गरीब हो रहे हैं लेकिन बिजनेस क्लास लोग दिन ब दिन अपनी गाड़ी भी खरीदते हैं तो बिजनेस का वो एक्सपेंस दिखाते हैं। जैसे फॉर मैं करता हूँ तो मेरे ट्रेवल टिकट से लेकर के फाइव स्टार होटल में अगर रुकता हूं, अगर मैं क्लाइंट के साथ अगर कोई रहा हूँ तो ये ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली बिजनेस एक्सपेंस अगर कल को एक मैं आईफोन भी लेता हूँ तो एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह दिखा सकता हूँ और मैं टैक्स से बच सकता हूँ नंबर फोर एक्सेस टू गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये मैंने आगे भी पिछले में भी बताया अब गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स मल्टीनेशनल फॉर्चून फाइव ने कंपनी के साथ अगर काम करना है ना उनके कुछ नॉर्म्स होते हैं पॉलिसीज होते हैं अगर आपको टेंडर डालना है बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मैंने अपने करियर में बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया आर टीओ के प्रोजेक्ट्स पे काम किया है राइट यू नो सेटेट के प्रोजेक्ट पे काम किया सीएमओ के प्रोजेक्ट पे वर्क किया है जहां पे उनके वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेकर के कॉन्टेंट राइटिंग प्रोजेक्ट से लेकर के यू नो मोबाइल एप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से लेकर के आप कहोगे सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल्स बनाने होते थे बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स और बहुत सारे पॉलिटिशियन

मेरा शेयर होल्डिंग है राइट नाउ एज अ कंसल्टेंट कहीं पे डायरेक्टर एज अ कहीं पे प्रिंसिपल कंसल्टेंट एज अ मार्केटिंग लीड थर्टी प्लस एजेंसी के ऑपरेट कर रहे हैं थर्टी से ज्यादा एजेंसी के बोर्ड मेंबर मैनेजमेंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स में मैं हूँ एज अ डायरेक्टर िसन टू दिस वेरी केयरफुल मुझे पता है वॉट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रजिस्टर टैलेंट कल को आ, अगर आपको अगर अपने बिजनेस को ग्रो करनाव टू अट्रैक्ट दट मीनस राइटर्स अच्छे एडवर्टाइजर्स अच्छे परफॉर्मेंस मार्केट अच्छे वेब डेवलपर्स लोगों के साथ टाइप करना पड़ेगा और जब आज के डेट पे कोई भी आपके साथ काम करना चाहता है सबसे पहले वो आपका बैकग्राउंड चेक करेगा राइट right? अगर आपका कंपनी रजिस्टर ही नहीं है आप उनको अगर पेमेंट अपने सेविंग अकाउंट से कर रहे हो तो आगे वाले को लगेगा यार मैं फ्रीलांसर हूँ आगे वाला बंदा मेरे को कंपनी हायर कर रहा है इतना बड़ा बड़ा वेबसाइट बनाया इतना बड़ा भेज रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं डिजिटल मार्केटर्स एंड सक्सेसफुल लेफ्ट राइट एंड सेंटर सेंटर हम कंप्लीटली अपने लाइफ

क्योंकि पे आपका सारा कुछ मटीरियल आउटडेटेड हो जाता है नंबर टू लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन एल एम एस एन अपग्रेडेबल वे नंबर थ्री टू मंथ्स ऑफ पेड इंटर्नशिप अगर आप हमारे एडमी में हमारे लाइफ टर्म इंटर्नशिप में आते हो तो दो महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा प्लस आप उस पर इंसेंटिव भी जीत सकते हो एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो प्लस आपका पहला दो प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है फर्स्ट टू प्रोजेक्ट ऑल्सो येटिंग इट फ्रॉम आवर एंड राइट नंबर फोर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग घर पे बैठे हो ऑफिस पे हो अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो क्लाइंट के साथ मीटिंग है स्ट्रेटेजी बना रहे हो कैंपेन पे वट एवर योर डाउट इज यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ हर टीम एंड गेट एडवाइजेज एंड कंसल्टिंग राइट वी आर जस्ट वन कॉल अवे इडी लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है नंबर फोर वन टू वन सपोर्ट कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो कोई पर्सनल चैलेंज है बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है नो मैटर वट यू कैन डायरेक्टली बुक अ वन टू वन अपॉइंटमेंट विद मी थर्टीन ईयर्स एक्सपीरियंस टीम वी आर थर्टीन ईयर्स एक्सपीरियंस टीम पीपल वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए कोई वेबिनार का आपको नाइनटी नाइन रुपीज का झांसा दे कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ राइट थर्टीन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रांग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं यूर नॉलेज इज गोइंग टू बियर पावर अगर आज के डेट पर अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट स्ट्रगल करो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर क्लिक ऑन द लिंक बिलो डाउनलोड द सिलेबस गेट ऑन ए कॉल विथ स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर डिस्कस करो क्या चैलेंज है क्या अचीव करना चाहते हो क्या हर्डल है यू ना आर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली हेल्प यू एंड विल गाइड यू हाउ यू कैन स्टार्ट यूर जर्नी ऑफ लर्निंग विथ मी डायरेक्टली ऑल द बेस्ट गाइ सी यू सोन इन माई लाइफ से नेक्स्ट बैच इज स्टार्टिंग सून